अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज के इस व्लॉग में मैं आपको लेकर जा रहा हूँ माथेरान। अल्लाह अकबर। तो हम सुबह सुबह निकल चुके हैं क्योंकि हमें 56 किलोमीटर राइडिंग करनी है। मुमरा से माथेरान टोटल 56 किलोमीटर है। तो चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। दोस्तों, मुमरा के पहाड़ में ही आप देख सकते हैं क्या फॉग है, क्या खूबसूरत नज़ारा है। तो सोचो माथेरान का क्या नज़ारा होगा। वैसे दोस्तों, मैं माथेरान बहुत बार जा चुका हूँ और जितनी बार आप जाओगे माथेरान आपको उतनी बार ही अच्छा लगेगा। माथेरान एक ऐसी जगह है जो महाराष्ट्र के अंदर सबसे खूबसूरत जगह मानी जाती है। वहाँ की हवा, वहाँ का नेचर बहुत ही अलग है। माथेरान का हिस्ट्री अगर खोलकर देखें तो ये अंग्रेज़ों के ज़माने से बना हुआ है। नेरल से माथेरान जाने के लिए जो टॉय ट्रेन अभी तक चलती है, ये टॉय ट्रेन कहा जाता है कि अंग्रेज़ों ने ही बनाया है। और टॉय ट्रेन का जो पटरी है वो भी अंग्रेज़ों ने ही बनाया है। माथेरान एक छोटा सा गांव है, लेकिन अब वो गांव एक शहर जैसा बन गया है। यहाँ पे लोगों की आबादी भी बढ़ गई है। माथेरान एक्चुअली 4000 फीट ऊंचाई पहाड़ के ऊपर बसा हुआ है। यहाँ पर आपको बड़े बड़े घोड़े, अच्छे नस्ल के घोड़े आपको देखने मिलेंगे। ये मैं क्या देख रहा हूँ भाई, मेरे सामने आप देख सकते हैं निंजा की बाइक है और ये 12 लाख की बाइक है। दोस्तों, ये मेरा एक ड्रीम है भाई, लेने का है मुझे। मुमरा से लगभग हम लोगों ने 40 किलोमीटर राइडिंग करने के बाद अब यहाँ पे नाश्ता करने के लिए हम लोग रुके हुए हैं। ये रेस्टोरेंट बहुत ही अच्छा है, साफ़ सुथरा है। तो हमने यहाँ पे ऑर्डर दिया वड़ा पाव और साथ में मेंदू वड़ा, ये जल्दी से खा लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा नाश्ता वगैरह हो गया। अब यहाँ से माथेरान बस 20-25 किलोमीटर है, तो फटाफट हम माथेरान पहुँचते। दोस्तों, माथेरान के घाट के ऊपर चढ़ने वाला जो वीडियो है, बाइक राइडिंग करके मैं जो माथेरान के ऊपर जाऊंगा 4000 फीट ऊपर, उसका वीडियो अलग से बनेगा क्योंकि इस वीडियो के साथ बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। तो जैसे कि दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं माथेरान के पहाड़ों के साइड। आप इस वक्त मेरे सामने जो पहाड़ देख रहे हैं, यही है मैं माथेरान का पहाड़। तो यहीं से रास्ता जाता है और हम लोग अभी जो है पहाड़ पर चढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि भाई, यहाँ पे हम लोग ने थोड़ा फ़ोटोशूट किया क्योंकि यहाँ का जो व्यू था वो ज़बरदस्त था। तो हम लोग ने यहाँ पे थोड़ा फ़ोटोशूट करके अभी हम जाने वाले आसमान की तरफ। सामने देखे बादल जो नज़र आ रहा है ना आपको, उस बादल तक पहुँचने वाले हम लोग बाइक लेकर। तो चलिए दोस्तों। दोस्तों, माथेरान के ऊपर हम लोग पहुँच चुके हैं। मैं नीचे से माथेरान तक आने का एक अलग सा वीडियो बनाया है,
किस तरीके से मैंने घाट के ऊपर बाइक चढ़ाया है, तो वो वीडियो आप देखिएगा ज़रूर। मैं वो अलग से अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि इसके साथ मैं अटैच करूँगा तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, जिसकी वजह से मैं वो अलग वीडियो बनाकर अपलोड किया हूँ। तो आप वो वीडियो को ज़रूर देखना कि हमने किस तरीके से भाई घाट पर बाइक चढ़ाया है। पहुँच गए दोस्तों हम लोग माथेरा। और यहाँ पे हम बाइक पार्किंग करेंगे दोस्तों। यहाँ पे ऑलरेडी हज़ारों लोग आ चुके हैं भाई। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं अकेला ऊपर जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे देखो भाई कितने सारे बाइक यहाँ पे पार्किंग में लगा हुआ है। हज़ारों लोग अभी भी माथेरान के अंदर है। तो हम लोग अपनी बाइक जो है यहीं लगाते हैं। तो यहाँ पे हमने बाइक पार्किंग कर ली है। और दोस्तों मैं आपको एक पॉइंट की बात बता दूँ, अगर आप जी पे गूगल पे यूज़ करते हैं तो यहाँ पर गूगल पे वगैरह यूज़ नहीं होता है यहाँ पे गूगल पे वगैरह यूज़ नहीं होता है, तो कैश साथ में लेके आए, कैश जो है साथ में लेके आए। अगर कैश नहीं लेके आएंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। माथेरान के अंदर जाने का टिकट आप देख सकते हैं। आपको दे रहे हैं। तो यहाँ से हमको चल के सारे पॉइंट देखना है। लगभग यहाँ पे 36 पॉइंट्स है, तो हम लोग बस दो ही तीन पॉइंट देखेंगे। आपका रिक्शा कितना? दो लोग हैं। 105 देंगे क्योंकि तीसरा सीट कोई नहीं है। माथेरान में अभी जो है रिक्शा का बंदोबस्त हो गया है दोस्तों। तो चलिए लग गया ना? हाँ लग गया दोस्तों। ये रिक्शा वाले भाई ने हमें यहाँ के बारे में वो बातें बताई है जो आप लोग नहीं जानते। यहाँ पे किस तरीके से रिक्शा चालू हुआ है वो पूरी अपडेट इस भाई ने हमें बताया है, तो आप आगे तक सुनते रहिए। भैया ये रिक्शा कब से चालू हुआ है? ये रिक्शा पहला गवर्नमेंट का पायलट प्रोजेक्ट था। हाँ, 2022 में चालू हो गया। 2022 में चालू हो गया। हाँ, ओके। उसके बाद में फिर हमारे को अभी जून 10 तारीख से हमारे दावे में आए। ओके, पहले गवर्नमेंट के अंडर में था। गवर्नमेंट के अंडर में 7 रिक्शा चलने का पायलट प्रोजेक्ट चालू था उसका। अच्छा, वो पायलट प्रोजेक्ट सबसे छोटी के बाद फिर हमारे दावे में आया। इस रिक्शा अभी दिए ना फिलहाल, और 74 रिक्शा लाने वाला आने वाला है। हाँ, क्योंकि यहाँ पर 94 हाथगाड़ी था ना, हाथ रिक्शा। हाँ हाँ हाँ, वो पहले से हमारा यूनियन था। ओके, 94 हाथ रिक्शा का। तो अभी वो हमारा सुप्रीम कोर्ट में 13 साल इसके लिए अप्लाई था। 13 साल केस चलाई, 13 साल इसका केस चला ये रिक्शा के लिए। रिक्शा के लिए तो फिर वो अभी सुप्रीम कोर्ट ने अभी परमिशन दे दिए, लेकिन अभी जो मॉनिटरिंग कमेटी है ना, हाँ, उसको उसको देखने को बोले। अभी कैसे है ये गाड़ी 20 रिक्शा कम गिर रहा है यहाँ पर। जी, यहाँ पर ये 20 रिक्शा चालू हो गए ना। हाँ, वैसा यहाँ पर बढ़ गया, पब्लिक बढ़ गया। डेली का पहला पब्लिक आने का ना, हाँ, तो 700 पब्लिक आने का, यानी सोमवार से लेके गुरुवार तक। ओके, अभी डेली का 3,000-3,500 पब्लिक आता है। डेली 3,000-3,500। तो 20 रिक्शे से क्या होगा? पब्लिक रिक्शा 35 रुपए सीट का है ना। 35 रुपए में आदमी को माथेरान घूमने के लिए अंदर जाने के लिए मिल रहा है। मेन सिटी तलक वही ना, आराम से होटल तलक जा सकता है। बाद में फिर घूमने घूमने के लिए घोड़े पे पॉइंट वगैरह घूमने के लिए जा सकता है, वॉकिंग जा सकता है, घोड़े पे जा सकता है। यहाँ से घोड़े का कितना चार्ज रहता है मार्केट? घोड़े का हिसाब गवर्नमेंट रेट के हिसाब से 300 रुपए घोड़े का रेट है, लेकिन ये लोग 600-700 रुपए लेते हैं। 600-700 रुपए ले लेते हैं घोड़े वाला। अपने बाप। और जो हाथ रिक्शा था ना, हाँ, उसका 600 रुपए। अभी एक आदमी बैठता है उसमें 3 आदमी खींचता है। अभी अपने देश को 75 साल होते गए पूरे। हाँ, तो अभी आदमी को आदमी खींचने वाला और कितना साल चलेगा? और कितना साल चलेगा? ब्रिटिश जमाने से वो चलते आया होता। हाँ, हाँ, और वो जो हाथ रिक्शा खींच खींच के है ना जी, आदमी का लाइफ कम था, यानी वो 50 के आसपास गए ना, वो आदमी खत्म होने का, क्योंकि वो पूरा हार्ट के ऊपर प्रेशर आने का ना। बापरे, इधर खुला चलने के लिए 7 चढ़ता है और वो एक आदमी को खींच के लेके जा रहा है। और हमारा तो 3 पीढ़ी यहाँ पर, 3 पीढ़ी ऐसे ही गए ये हाथ रिक्शा भी। हाँ हाँ, हमारा पिताजी हमारे दादाजी यही रिक्शा ही खींचने के ना हुआ काम करते थे। मैंने भी खींचा है कुछ, लेकिन अभी कैसा मार्केट में जैसा बैटरी व्हीकल आ गए क्या? नहीं, वही ना, गाड़ी जब हर जगह टेक्नोलॉजी आ गया है, बदलाव मांगते है ना कुछ तो भी। सर जी,
बेशक अभी लोग 4G 5G के नेटवर्क में जी रहे हैं और इधर ये आदमी को आदमी खींचने वाला काम कितने साल चलेगा? कितना साल चलेगा, एकदम सही बात बोले। अब सरकार बोल रही है डिजिटल इंडिया माना नहीं गया। यही सीजन रहता है माथेरान का, ऑल सीजन माथेरान घूमने के लिए ऑल सीजन अच्छा है। ऑल सीजन कभी भी आओ तुम। सब मार्केट यहाँ पर कॉटेज लाइन आगे। तो भाई नीचे से हम लोग को मार्केट आने के लिए रिक्शे से बस 10 मिनट ही लगा है। दोस्तों यहाँ पे रिक्शा होने से बहुत ही ज़्यादा फायदा हो गया है टूरिस्ट वालों के लिए, तो माथेरान बहुत ही ज़्यादा अपडेट हो गया है अब देख सकते हैं। और भैया ने हमें फुल डिटेल्स के साथ सारी बातें बताएं कि यहाँ पे क्या चल रहा है। आज से 5 साल पहले माथेरान आया हुआ था, तभी माथेरान अलग था, अभी माथेरान देखकर एकदम से अलग ही लग रहा है। इतने चेंजेस और इतने अपडेट्स हुए हैं, रास्ता वगैरह सब कुछ यहाँ पे अपडेट हो गया है, साफ़ सफाई तो और ही ज़्यादा। माथेरान में मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की एकता बहुत अच्छी है। यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम दोनों बहुत ही अच्छे तरीके से मिले जुले रहते हैं। यहाँ पे मुस्लिमों की 40% आबादी है और हिंदुओं की कम से कम 60% आबादी है। यहाँ से ट्रेन कब जाती है रिटर्न? ट्रेन मिले तो कैसा है, अभी 11:25 का है। ओके, उसके बाद में लास्ट गाड़ी 5:20 की है। 5:20 की है। तो ये है भाई माथेरान का टॉय ट्रेन। अभी टॉय ट्रेन का भाव कम हो गया है, जब से रिक्शा चालू हो गया है ना, तो लोग ज़्यादातर रिक्शे पे ही आ रहे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है अखिल। अखिल भाई, अखिल भाई, अखिल भाई माथेरान के रहने वाले हैं, यहीं के रहने वाले माथेरान। तो आपके यहाँ पे मतलब होटल वगैरह मिलता है? मिलता है। तो रूम का क्या फैसिलिटी है? रूम का फैसिलिटी बोले तो कैसे अपना कॉटेज है जी, और कॉटेज के अंदर कैसे रूम है, रूम के अंदर टीवी है, वाईफाई है, ओके, इन्वर्टर वगैरह सब, वॉशरूम वगैरह सब कुछ है, वगैरह सब कुछ। तो ये है भाई हमारे अखिल भाई का होटल, यहाँ पे हमने थोड़े टाइम के लिए रूम लिया है, ओनली फॉर 500। ये है हाँ। अच्छा नहीं, बढ़िया। ये है वॉशरूम, सही है अखिल भाई, थोड़ा कम हो जाता और अच्छा रहता, केवल ज्यादा रुकने वाले नहीं है। कैसे है ना, ऐसे अपने 1000 रुपीस है, बाकी कैसे बिस्मिल्लाह करना है आपको, और आपके हाथ से बिस्मिल्लाह तो बहुत अच्छी बात है। जी जज़ाकअल्लाह। तो जैसे कि दोस्तों मैं माथेरान आते ही रूम ले लिया था, अखिल भाई ने मुझे रूम दिलाया यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया रूम है, मतलब अकेले सिंगल कपल सबके लिए बेस्ट रूम है, सस्ते में अच्छा घर। तो यहाँ पे 1 घंटा रेस्ट करने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं माथेरान के जो ख़ास ख़ास व्यू पॉइंट्स है वो कवर करने। तो ये है अखिल भाई का होटल, ऊपर उनकी फैमिली रहती है, नीचे वो भाड़े में देते। तो जैसे ही होटल से हम निकले, सामने ही आप देख सकते हैं मार्केट है, ये सब नया नया बना है यहाँ पे, आप देखें गेम सिटी, पहले ये नहीं था, अभी माथेरान में ही गेम सिटी का ये भी बन गया। और जस्ट सामने आप देखें मस्जिद। बाकी माथेरान पूरा चेंज हो गया है, एकदम शहर जैसा बन गया है। रहने तो भाई थोड़ा घूम लेते हैं ऐसा चल के। ओके भाई, माथेरान में टोटल 36 पॉइंट्स है, पूरा पॉइंट्स अगर आप कवर करने जाओगे ना तो लगभग आपको 3 दिन लग सकता है। तो अभी हम लोग सबसे पहले जो व्यू पॉइंट है वो है हमारा खंडाला पॉइंट, चलिए यहाँ से खंडाला पॉइंट देखते हैं। जितने भी पॉइंट्स हैं यहाँ पे
सबके रास्ते जो है एकदम ज़बरदस्त बन गए हैं। 4-5 साल पहले आया था तो किचड़ किचड़ था, चलने के लिए रास्ते नहीं होते थे, लेकिन अभी यहाँ पे इतना डेवलप हुआ है कि माथेरान में ही रहने का दिल कर रहा भाई। पॉइंट और खंडाला पॉइंट हम पहुँच चुके हैं और मैं आपको अभी खंडाला पॉइंट का व्यू दिखाता हूँ। तो खंडाला पॉइंट से आप देख सकते हैं पूरे माथेरान का नज़ारा। सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, क्या नज़ारा है। और ये पहाड़ वाकई मेरे रब ने क्या खूबसूरत दुनिया बनाया है। तो हम लोग जो है खंडाला पॉइंट से अभी हम जाने वाले हैं, यहाँ देख सकते हैं इको पॉइंट, लोशिया पॉइंट, हनीमून पॉइंट, मलंग पॉइंट, सारे रास्ते इस साइड ही है। माथेरान का मार्केट और माथेरान के मार्केट के साइड के जो एरियाज है वो सब डेवलप हुए हैं, बाकी यहाँ पे उतना डेवलप मेरे को दिख रहा नहीं है, सब वैसा का वैसा ही है। तो हम लोग अभी लेक में पहुँचे नहीं, लेकिन पानी की आवाज़ आ रही है। तो हम लोग फाइनली पहुँच गए लेक के पास। अभी हम लोग जा रहे हैं जहाँ पे लेक का जो अपना डैम बना हुआ है ना, डैम के ऊपर जाके हम लोग पूरा लेक का व्यू देखेंगे। बस पहुँच चुके हैं। वाकई माथेरान बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है ना, देखिए इसकी खूबसूरती का क्या ही मिसाल दो, पानी कितना साफ है। तो जैसे कि दोस्तों हम लोग यहाँ पे लेक पॉइंट पे आए थे और मैंने यहाँ पे ड्रोन उड़ाने का सोचा था, लेकिन यहाँ पे मेरा ड्रोन उड़ा नहीं था। अभी बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला था मेरे ड्रोन के साथ, शायद मेरा ड्रोन पानी में गिर जाता था, लेकिन बच गया। यहाँ पे आपको जो पॉइंट दिख रहा है ये इसको कहते हैं सीलिया पॉइंट, और लेक पॉइंट का जो पानी है वो तो पूरा सीलिया पॉइंट से होकर जाता है। बहुत बड़ा वाटरफॉल है उधर, यहाँ से जाता है। चलो आस्ते। तो हम लोग फाइनली पहुंच गए सीलिया पॉइंट। ये है सीलिया पॉइंट। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं लोग आकर एक गलती करते हैं, गलती बहुत बड़ी गलती है कि एक बॉर्डर दिया गया यहाँ पे कि इसके आगे ना जाए, लेकिन लोग मानते नहीं है ना, लोग आगे जाके बैठ रहे हैं। और पता है आपको सामने इतना रिस्क है, थोड़ा सा भी पैर फिसलता है ना तो आप डायरेक्ट नीचे गिर जाएंगे। वहाँ पे वो लड़की को देखो, वो किस तरीके से फ़ोटो खींच रही है। वेरी रिस्क, वेरी रिस्क। तो दोस्तों मैं दूसरे को ज्ञान तो ज़रूर दे रहा हूँ, लेकिन मैं खुद अपने आप को फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि देखें यहाँ का नज़ारा ही कुछ ऐसा है कि आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हो। लेकिन मैं यहाँ पे आया हूँ बहुत ही अपने आप को सेफ्टी करके, यहाँ से मैं वीडियो बना रहा हूँ, ज़्यादा दूर आगे नहीं जाऊँगा क्योंकि जान का ख़तरा है। तो मैं दूर से ही मतलब अपने आप को सेफ रख के मैं जो है वीडियो बना रहा हूँ। ये झरने पे आप कभी ना आइएगा, जो पानी यहाँ से गुज़र रहा है ना इस पर आप कभी खड़े मत होइएगा, क्योंकि पैर फिसला ना तो डायरेक्ट आप 3000 फीट नीचे जाके गिरेंगे।
लोग पागल हो गए भाई यहाँ पे, ये व्यू देखकर लोगों का दिमाग उड़ गया एकदम से, अपने कंट्रोल में नहीं है। अभी हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो है इको पॉइंट, बिल्कुल सिलिया पॉइंट के राइट साइड से रास्ता जाता है। देखिए इस साइड हम जाएंगे अभी इको पॉइंट। बाकी माथेरान में बंदरों की जो पॉपुलेशन है ना वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मेरे को लगा बंदर कम हो जाएंगे अभी, लेकिन यहाँ पे आके देख रहा हूँ 5 साल बाद आने के बाद भी बंदरों की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इको पॉइंट जो है वो 0.4 किलोमीटर है, किंग एडवर्ड पॉइंट वो भी 0.7 किलोमीटर यानी 700 मीटर है। तो यहाँ पे हमें 3 पॉइंट देखने को मिलेंगे, तो आगे चलते हैं। इको पॉइंट से पहले एक पॉइंट आता है, इसको कहते हैं एडवर्ब पॉइंट, ये देखिए। और सामने आप देख सकते हैं कोहरा ही कोहरा, इस साइड से पूरा कोहरा हमारी तरफ आ रहा है। ये है एडवर्ब पॉइंट, और उधर सामने देखें लेक है, इतना बड़ा लेक है देखें। और ये पॉइंट जो है ये लूसिया पॉइंट है, हम थोड़े ही आगे जाएंगे तो उसको हम इको पॉइंट कहेंगे, इको पॉइंट सामने ही है। सामने वाला जो पॉइंट अभी आ रहा है ये है इको पॉइंट। ये है इको पॉइंट। इको पॉइंट से भी आप देख सकते हैं भाई माथेरान का बहुत ही अच्छा नज़ारा यहाँ से भी देखने को मिल रहा है। ये जो सामने आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे इको होता है, दो पहाड़ के बीच में आवाज़ टकराती है ना, तो आवाज़ टकराने की वजह से इको पॉइंट कहा जाता है। तो देखते हैं एक बार चिल्ला कर इको हो रहा है कि नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ले। दोस्तों इको जो है ना वो इस साइड हो रहा है, जाहिर सी बात है दोनों पहाड़ के बीच में जो हिस्सा है वहाँ आवाज़ टकरा रही है जिसकी वजह से इको हो रहा है, इसलिए इसको इको पॉइंट कहा जाता है। इधर आवाज़ नहीं टकरा रही है, आवाज़ इधर टकरा रही है, देखो अल्लाह अकबर। इको पॉइंट भी हमारा कवर हो गया, अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा देखते हैं आगे चलकर, फिर उसके बाद हम डायरेक्ट मार्केट जाएंगे क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके हैं, थक गए, अब हमसे ना होवे। तो हमारा इको पॉइंट कवर हो गया, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस साइड से कितने सारे पॉइंट हैं, लूसिया पॉइंट, हनीमून पॉइंट, मलंग पॉइंट, चेनी पॉइंट, सनसेट पॉइंट। दोस्तों इतने सारे पॉइंट है भाई हमसे नहीं होगा, हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, अभी हमको डायरेक्ट घर जाना है भाई। ये सारे पॉइंट कवर करने के लिए मैक्सिमम हमें 2 से 3 दिन रुकना है यहाँ पे, तब जाके हम कवर कर सकते हैं। इस साइड आप देख सकते हैं ये है मार्केट साइड जाने का रास्ता, तो इस साइड से चलो दोस्तों मार्केट जाते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट साइड, वहाँ पे जाके खाना खाएंगे क्योंकि लगभग 3 बजने वाला है दोपहर के, और भूख भी ज़्यादा लगी है जिसकी वजह से अब बाकी के जो पॉइंट है वो कवर नहीं कर पा रहे। खाना खाएंगे, थोड़ा सा रूम में आराम करेंगे, 5:30 बजे हम चेकआउट करेंगे अपने होटल से। माथेरान का एक सीक्रेट बात बता दूं, ये जो लादी लगी हुई है ना, टाइल्स लगी हुई है ना, ये टाइल्स जहाँ तक जा रहा है
समझो मार्केट का रास्ता उधर ही है, क्योंकि ये मार्केट जाने के लिए रास्ता बनाया गया है यहाँ की पब्लिक के लिए और टूरिस्ट वालों के लिए भी। कभी अगर आप रास्ता भटक जाते हैं ना, तो ये टाइल्स को पकड़ते हुए आप मार्केट के तरफ जा सकते सीधा, है ना। तो यहाँ की जो गवर्नमेंट ने जो है माथेरान वालों के लिए बहुत अच्छा काम किया है, जो कि चलने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है टूरिस्ट वालों के लिए भी और यहाँ के रहने वालों के लिए भी। तो हम लोग जो है अभी रोम में आ चुके हैं, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद खाना वगैरह खाएंगे। बाकी मैंने जो नंबर दिया है वो भाई से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बहुत ही सस्ते में आपको रोम मिलेगा। अगर आप वन डे आते हैं, वन डे स्टे करते हैं या दो दिन स्टे करते हैं, टू डेज़, थ्री डेज़, फोर डेज़, भाई बहुत सस्ते में आपको रूम मिल जाएगा। तो दोस्तों हम लोग दोपहर में थोड़ा रूम में सो गए थे, फिर सोने के बाद जैसे ही उठे तो शाम हो गई थी, तो हम लोग फौरन जो है ये ट्रेन लाइन पकड़ कर हम लोग पहुँच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पर। तो माथेरान अगर आप आना चाहते हैं और आपको ऐसा लगता है कि माथेरान में अभी कीचड़ वगैरह होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, अभी माथेरान में सब कुछ बदल गया है। तो दोस्तों आपको ये व्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना, एंड उम्मीद करता हूँ आप लोग इस व्लॉग के ज़रिए से माथेरान आने का कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर एक नए व्लॉग के साथ, अभी रात हो गई है, फटाफट घर जाना है। चलिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।